नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबर। बीएड की छात्र से छेड़खानी, तेजाब डालने की धमकी। जी हां, सहजन गावा इलाके के एक पीजी कॉलेज में बीएड की छात्र से को उसके गांव का ही एक युवक पिछले एक साल से छेड़खानी कर रहा था। वो छात्र को रास्ते में रोक कर बात करने का दबाव बनाता था। इनकार करने पर तेजाब फेंकने की धमकी भी दे रहा है। गीड़ा पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी को और उसके दोस्तों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रविवार की शाम गीड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती थाने पहुंची और प्रभारी निरीक्षक से बताया कि वो घर से कुछ दूर स्थित एक पीजी कॉलेज में बीएड कर रही है। जी हां, गांव का ही एक युवक एक साल से कॉलेज जाते समय रास्ते में पत्र फेंक कर बात करने का दबाव बनाता है। कुछ दिन पूर्व जब कॉलेज से वापस आ रही थी तो युवक और उसके दोस्त हरिया तिराहे पर रोक कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए चेहरे पर तेजाब डालकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी है। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी नीतीश राजभर और उसके दोस्त पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई में फर्जी ईडी की रेड, व्यापार के ऑफिस से लाखों रुपए नकदी और करोड़ों का सोना लेकर फरार। पुलिस ने दो को दबोचा। जी हां, मुंबई में फर्जीवाड़ा का एक नया मामला सामने आया है। यहां एक कारोबारी के ऑफिस में कुछ लोगों ने खुद को ईडी अधिकारी बताकर रेड की। फिलहाल अब मुंबई पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के एलटी मार्ग स्थित एक कारोबारी के कार्यालय में हाल ही में ईडी की रेड पड़ी। बाद में खुलासा हुआ कि जो लोग रेड करने आए थे वो ईडी के नहीं बल्कि फर्जी लोग हैं। जी हाँ, अब इस मामले में मुंबई पुलिस जाँच कर रही है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई की एलटी व मार्ग पुलिस ने एक कारोबारी के कार्यालय में फर्जी ईडी द्वारा की गई छापेमारी के मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार फर्जी ईडी अधिकारियों ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर कारोबारी के कार्यालय में रेड मारा और लाखों रुपए नकदी और करोड़ों का सोना लेकर फरार हो गए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इस कांड में चार लोग शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ चल रही है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि चार अज्ञात व्यक्तियों ने ईडी अधिकारियों का रूप धारण किया और मुंबई के झवेरी बाजार इलाके में एक व्यवसायी के कार्यालय में छापा मारा और कार्यालय में 25 लाख रुपए नकद और 1.70 करोड़ रुपए का 3 किलो सोना ले गए। मामला दर्ज, पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सीएम प्रमोद सावंत ने की बड़ी घोषणा, दक्षिण गोवा में बनेगा आईआईटी परिसर। जी हां, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि दक्षिण गोवा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था का एक परिसर बनाया जाएगा और इसके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। जी हां, राज्य सरकार ने पहले उत्तरी गोवा जिले के उत्तरी तालुका से में शेल मोलेलियम गाँव में आईआईटी परिसर स्थापित करने के लिए एक जमीन पसंद की थी, लेकिन 2021 में स्थानीय लोगों के हिंसक विरोध के बाद इस परियोजना को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद दक्षिण गोवा जिले के संगम तालुका को कोटारली में एक और भूखंड और इसके लिए उपायुक्त पाया गया, लेकिन जगह कम होने के कारण परियोजनाओं को पिछले साल फिर रोक दिया गया। गोवा विधानसभा के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। जी हां, सावंत ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, आईआईटी पुलिस दक्षिण गोवा में स्थित किया जाएगा, इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पहले राज्य विधानसभा में कहा था कि कुछ लोग आईआईटी गोवा परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। जी हां, उन्होंने अनावश्यक विषय विरोध और आशंका के कारण उस क्षेत्र का खुलासा करने से इनकार कर दिया था जहाँ ये जमीन स्थित है। इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के दौरान दक्षिण गोवा में क्यूमेस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस की विधायक अल्टोन डी कोस्टा ने राज्य सरकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र में आईआईटी परिसर स्थापित करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि क्यूपेम निर्वाचन क्षेत्र के बैतूल में संस्था परिसर स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन है।